जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जय गुरु। गतिर भड़का प्रभु प्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम ब्रह्मस्तंभ विधाता शतगुरु अस्तु नमस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य उपस्थित ऋतिक देवतागण, दयाल के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण, भाई माताएं बहने बच्चों, यथा योग स्थान पर सभी को भक्ति भरा मेरा आंतरिक राज जय गुरु। आज सौभाग्य मिला है कि सिद्धि सत्संग केंद्र चौका सरायकला खरसवा की तरफ से आयोजित इस ऑनलाइन सत्संग में सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं ऑन द वे हूँ, रास्ता में हूँ, लेकिन फिर भी रंजीता से बात हुई। मैंने कहा कि मैं कहीं भी थोड़ा सा पनाह लेकर के आपसे बात करके मैं विधिवत ज्वाइन कर लेता हूं, क्योंकि ठाकुर जी का काम प्राइम होता है। कहा जाता है कि जीवन में बचने बढ़ने का जो रास्ता है वो मूल इष्ट पुरुषोत्तम से ही मिलता है। बचना बढ़ना रुपया पैसा अर्थ को लोग आजकल समझते हैं जिनके जीवन में आदर्श गुरु नहीं, लेकिन हम लोग का तो सौभाग्य है कि ऐसे महामानव परमपिता पुरुषोत्तम के सानिध्य में हम लोग उनको पकड़ करके चल रहे हैं। कितना भी कष्ट में समय आ जाए सत्संगी का कभी कल्याण नहीं होता है। मैंने तो देखा है अच्छो अच्छो को जिसके जीवन में आदर्श नहीं खेवन हार नहीं, उसका सब कुछ रहते हुए भी वो सर्वहारा होकर के स्थूल पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग सत्संगी कितना भाग्यवान है कि ऐसे परम पिता पुरुषोत्तम को पाए हैं जीवन में। इतना विकराल परिस्थिति आया ये 2.5-3 साल से, लेकिन हम लोगों के नींव को कोई डगमगा नहीं पाया। इसके पीछे एक ही कारण है, एक ही मूल है कि हम लोग एक जीवन में इष्ट पुरुषोत्तम को पकड़ करके चल रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कष्ट हो सकता है मैं दुख आने नहीं दूंगा, अगर तुम विधिवत मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर चलते हो। दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं होता, स्कूल चले जाने से कोई छात्र छात्राएं नहीं हो जाती, करना पड़ता है और करना ही पानी का रास्ता प्रशस्त कर देता है। ठाकुर जी बंगला में कहे हैं ना कोरे जे पेटे चाय दुख होता हर पीछे लाए। यजन याजन स्टूरती दीक्षा के उपरांत हम लोगों को 3 विधिवत सुंदर विधान मिलता है, मूल चिंतन कथन और कर्म। दादा मां हम लोग इस मूल को अगर जड़ में उतार ले, जड़ तक पहुंच जाए तो तने तक जाने में समय नहीं लगता। स्वस्थैनी सदाचार जो उसका परिवर्तित विधान है वह भी हम जीवन में पालन कर ले सकते हैं। प्याज खाना लहसुन खाना स्वस्थैनी हम कैसे ले लें ये बात नहीं है। स्वस्थैनी दीक्षा एक सत्संगी जो परिपूर्ण रास्ते पर ठाकुर जी को ग्रहण करके उनकी दीक्षा से सुशोभित होकर के विधिवत जब चलता है तो वो अपने जीवन में स्वस्थैनी लाभ करना चाहता है। स्वस्थैनी होता है शरीर को सिरे विग्रह बना ले। लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज मैं खाता हूं कैसे स्वस्थैनी लूंगा। अरे खाने को आप प्राइम में क्यों लाते हो, पहले तो आप देखो कि आपका शरीर कैसा है। आप अपने शरीर को मंदिर बनाना चाहते हो, अगर चाह है तो वहां से राह खुल जाती है। वही है मूल। परम पूजनीय उस वक्त के परम पूजनीय थे, अभी हमारे श्री श्री आचार्य देव हैं, उनके समक्ष एक फौजी जो बाबा बॉर्डर जो बाबा मंदिर है गैंगटॉक में शिलोंग में वहां पर वो पोस्टिंग था उसका, स्वस्थैनी होल्डर है, उसे भोजन में बहुत असुविधा हो रही थी। निवेदन करता है कि दादा मैं किसी भी तरह से सब्जी कुक को बोल करके मैं बिना ओनियन गार्लिक का बनवा देता हूं, लेकिन दाल में जो छौक मारता है वो लहसुन से मार देता है, मैं करूं तो क्या करूं। से आचार्य देव कहते हैं चम्मच रखना, कटोरी में जो दाल मिलता है उस चम्मच से कटोरी में मारे हुए छौक में अगर लहसुन पड़ता है दाल में तो चम्मच से निकाल करके लहसुन फेंक देना, दाल पी जाए।
देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग सबको दाल में छौंक मारे लहसुन से, उसके लिए विधान दिए क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में है और बॉर्डर एरिया में उसे असुविधा हो रही है भोजन में, लेकिन सब कुछ वो निरामिष कर ले रहा है, लेकिन दाल उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दाल में प्रोटीन है। अब वो दाल के लिए उन्होंने कहा कि उसमें से लहसुन को निकाल देना, दाल पी जाना, यानी कि हम लोग पकड़ के चलते हैं लहसुन और प्याज को, वो फैक्टर नहीं, फैक्टर है मेरा मन। अगर हम मन को सही कर लें तो साक्षात शरीर में प्रभु का वास हो जाता है। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा हम उस पथ पर चल सकते हैं, लेकिन हम चेष्टा नहीं करते। स्वस्थानी से भय होता है, दीक्षा लेने में ही कितनों को भय होता है। बंगाल में लोग कहते हैं जार ठाके ना कुल धोड़े अनुकूल, वो ऐसे ऐसे बात कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप सही रास्ते पर ना चल पड़ो। एक मताल क्या चाहता है? अगर आप सही हो जाओगे तो मताल का संगत आपका नहीं हो पाएगा, मताल आपका संगत नहीं पा पाएगा, तो मताल अपने जैसा आपको करना चाहता है। लेकिन देखिएगा, कीचड़ में ही कमल खिलता है, और कमल कितना सुंदर होता है, कीचड़ की एक छींट भी उस कमल फूल पर नहीं जाती, और कमल पद्म फूल लक्ष्मी के चरणों में चढ़ता है, मां सरस्वती के चरणों में। इसलिए हमें लाख बाधा विघ्न समाज में मिले, लेकिन हमें तो देखना है कि मेरा गोल कहां, मेरा टारगेट क्या है। अर्जुन के उस भाव की तरफ ध्यान दीजिए कि मछली लोगों को दिखा, लेकिन अर्जुन को तो उसका आंख ही दिखा। उसी तरह से हमें अपने टारगेट को देखना है और टारगेट को फुलफिल करना है। नियमत इष्ट परायण होकर के यजन याजन इष्ट वृत्ति स्वस्थ निसदाचार रूपी इस पंचनीत महाजग को पालन करके हमें जीवन में विधिवत चलना है। हम सुंदर होंगे, मेरा बाल बच्चा परिवार सुंदर होगा, मेरा परिवार सुंदर होगा, मेरा परिवेश सुंदर होगा, और जब परिवेश सुंदर होगा तो हमें आपस में एकता में एक सूत्र में हम पिरो सकते हैं। लेकिन ये एकता, जो एकता की बात आती है वो आएगी कैसे? एकता माने मनुष्य को व्यक्तिगत समष्टिगत रूप से अपने अपने वैशिष्ट के अनुसार हर तरह से परिपूर्ण करता है, लेकिन इसके पीछे हमें एक निष्ठ होकर के चलना होगा। और वो मेरु दंड होते हैं एकता के, वो होते हैं मेरे परम आदर्श। श्री श्री ठाकुर कुलचंद्र जी मेरे आदर्श हैं, और उनके सानिध्यता में हम एक सूत्र में बंध करके ठाकुर जी की जो इच्छा है उसको हम लोग परिपूर्ण कर सकते हैं। घृणा विद्वेष हीन मन्यता क्षमता लिप्सा ये सब नेतृत्व का भाव इत्यादि से हम कोषो अपने आप को हम दूर कर ले। हमें देखना है कि हमारा सत्ता चाहते क्या है, निस्वार्थ भाव से हम एक दूसरे को प्रेम करें। अगर ये काम हम करते हैं तो धर्म यही चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य बचे बढ़े, हमारा एकमात्र स्वार्थ हो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा। हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, हम जिस पथ पर चल रहे हैं, वह हमारा इह काल पर काल के लिए कितना सुंदर रूप से हमें उस चरण को अख्तियार करवाता है। और ये सोच लीजिए कि अगर हम स्वार्थ रखते हैं अपने इष्ट भाई से, अपने गुरु भाई से, कि हमारा चावल दाल चाय की राशन ये कहां से हमें मिल जाए, तो सोच लीजिए वो चाह में मिलन नहीं, शत्रुता को हम जन्म देते हैं। प्रवृत्ति के स्वरूप हम अपने आप को चल रहे हैं, और इस दौर में आपको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा हम सभी का ध्येय रहेगा तो देखिएगा हमारे अंदर प्रेम रहेगा। यही तो ठाकुर जी चाहते, अपने स्वार्थ को हम दरकिनार करके हम ठाकुर जी की भावधारा में हम आगे बढ़े। प्रत्येक मनुष्य का कल्याण, अगर दादा मैं मंगल पद पर हूं तो मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ औरों का भी मंगल। मैंने तो अपने जीवन काल में देखा है ठाकुर जी को लोग पकड़े हैं लेकिन आधा विश्वास से, आधा विश्वास कहीं और है। परिपूर्ण विश्वास से आप जीवन में चल के देखिए ना क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिलेगा दादा माँ, लेकिन विश्वास को कभी खोइएगा मत। सुंदर रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होते हुए ठाकुर जी की भावधारा में यजन याजन इष्ट वृत्ति पालन करते हुए विधिवत आप चलिए। सुबह शाम घर में प्रार्थना हो, साक्षात ब्रह्म का वास होगा। मैं बार बार कहता हूं समय नहीं मिले, रास्ता धार में भी आप चल रहे हैं 14 मिनट में प्रार्थना शेष होता है, आप प्रार्थना कर लें, 14 मिनट के बाद ही किसी से बात करें ना, क्या दिक्कत। लेकिन अगर आप विधान को विधिवत और जड़ित रूप से पालन करके चलिएगा, जीती भाव से करिएगा, देखिएगा सब कुछ मिलेगा। कल की बात बताता हूं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक मुस्लिम कारीगर उस दुकान
ज्ञान में आता है, समय हो चला है अजान का, वो अपना डीलिंग करते करते अचानक कहता है कि मेरा अजान का समय हो रहा है, मैं और रुकूंगा नहीं, मेरा समय हो चला, मैं चलूंगा, जो भी बात है वो कल मैं करूंगा, आज मैं नहीं रुक पाऊंगा। देखिए वो कितना विधान का पक्का है कि अजान का मस्जिद से कहीं अजान का समय हुआ, सुना कान में और चल दिया। हम लोग क्या होता है, हम लोग उस चीज को जिद्दी भाव से पालन नहीं कर पाते, इसलिए धर्म के प्रति जिद्दी होना पड़ता है, वफादार होना पड़ता है। शहर से बहुत दूर हूं, मुझे शहर भी पहुंचना है, ठंड बहुत बढ़ी हुई है। आज मैं इतना कह करके अपना वक्तव्य शेष करूंगा, कुछ अगर भूल भ्रांति त्रुटि हुई होगी क्षमा करिएगा। जय गुरु।